भाई अंधेरी, औरंगाबाद, गोरेगांव, बोरिवली, नासिक, विले पार्ले, सबको राम राम। कोई रह तो नहीं गया भाई? हैं राम राम भाई, राम राम। ये अंग्रेजी वाला हाउ आर यू सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे बोलो। मंदिर बनाने का अपने को थोड़ा जय श्री राम बोलो। हाँ राम राम, सलाम, सब, अरे सब एक्सेप्ट करते हैं। जय महाराष्ट्र, ये देखो ये सही था, जय महाराष्ट्र। ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सीटी वाला है क्या? जय महाराष्ट्र। अरे पाठक भाई, आते ही खुदाफिस भाई, बहुत जल्दी में लग रहा है पाठक तू है, आते ही खुदाफिस। सही है यार, मतलब दिल तोड़ दिया यार तूने पाठक। नहीं यार तूने गद्दारी कर दी, तेरे से उम्मीद नहीं थी भाई। चलो या अरे डाई हार्ड अश्वथ, एकदम डाई हार्ड। मुझे नहीं पता मैंने आयरन मैन कितनी बार देख लिया होगा, ठीक है। एवेंजर्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका बहुत बार देखा है। हाँ चलो, एंड गेम भी देखा है पाठक। यस चलो अपन काम शुरू करें अभी, वरना अपना एंड गेम हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो जी, तो अभी तक हमने कितने इफेक्ट्स सीखे हैं, कितने इफेक्ट्स सीखे हैं? छह। उन छह इफेक्ट्स में अगर तुम्हें याद होगा, उन छह इफेक्ट्स में क्या खास बात था? तो छह इफेक्ट्स में खास बात ये था कि कहाँ भेज दूँ तेरे को आयुष, कहाँ जाना है तेरे को? मुझे भेज दो, क्या भेज दूँ, कहाँ जाना चाहता है बेटा? चलो कहीं तो जाना चाहता है, मुझसे पूछ रहा है। अच्छा मूवीज भेज दो। हाँ ठीक है बेटा, तेरे को मैं असाइनमेंट भेजता हूँ, पहले वो कंप्लीट कर फिर मूवी भेजता हूँ, ओके। और असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया ना बेटा, तो तेरा एंड गेम होगा, समझ गया? बहुत मारूंगा तेरे को मैं। ठीक है। अच्छा यहां पर अभी अपने को कुछ एक बेसिक कंसेप्ट सीखना है। वो बेसिक कंसेप्ट अपने को ये सिखाता है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं वो हमें उसका नाम दे दो, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, नाम दे दो। वी कॉल इट एज स्टर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ओके। सो ये स्टर इफेक्ट है क्या? कि मुझे एक बात बताओ, मान लो इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ट्रेन, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर तुम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो सपोज, और इन दैट केस धक्का मुक्की हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे धक्का मुक्की से बचने के लिए? हम लोग साइड में चले जाएंगे, बराबर। हम क्या करेंगे, अरे धक्का लग रहा है, जहां जगह कम हो वहां हम साइड में चले जाएंगे। तो सपोज ऐसा होता है, मतलब जो लोग अभी औरंगाबाद नासिक वाले यहाँ का लोकल का हाल नहीं जानते, वो मतलब जिस दर्द से हम गुजरते हैं, लेकिन मैं दर्द सुनाता हूं तो शायद तुम्हें महसूस हो कि हम लोग
कितने दर्द भरा फील करते हैं। नहीं, धक्का अंधेरी ऑल्सो, अंधेरी ऑल्सो, अरे अंधेरी धक्का महसूस करते हैं यार। मैंने औरंगाबाद नासिक इसलिए बोला क्योंकि वहां लोकल ट्रेन वाली गर्दी नहीं है, ठीक है। अभी होता क्या है, सपोज मैं और मेरा दोस्त ट्रेन में चढ़े, ठीक है, लेट्स से मैं और गौरव सर ट्रेन में चढ़े या मैं और आतिश सर ट्रेन में चढ़े, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चलो भाई अपने स्टूडेंट लोगों को कितना सारा असाइनमेंट दे। ऐसे ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। सो बिग व्हाइट बोर्ड ऋषिकेश, और कितना व्हाइट बोर्ड, और कितना बड़ा व्हाइट बोर्ड लेके आओ बेटा। मतलब तू चाहता है एक साइड से लिखना शुरू करूं, फिर साइकिल से चलते चलते दूसरे साइड पे आ जाओ व्हाइट बोर्ड के, है इतना अच्छा व्हाइट बोर्ड है। वीडियो इज लिटिल ब्लर, नहीं यार इतना अच्छा खासा तो है वीडियो, क्लियर है। देखो मैं दिख रहा हूं तुमको, दूर से दिख रहा हूं। हाँ बस, तो इन दैट केस मैं और गौरव सर ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़े तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि औरंगाबाद नासिक गोरेगांव विले पार्ले अंधेरी बोरिवली इन सबको हम लोगों ने भर भर के असाइनमेंट देना है। तो ये हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि गर्दी हुई, बहुत गर्दी हुई, तो धीरे धीरे हम लोगों को जहां गर्दी कम है, हम दोनों जन मतलब एक उस तरफ गया एक उस तरफ गया, हम लोग कंपार्टमेंट में दो अलग अलग कॉर्नर पे चले गए। बच्चे बोल रहे होंगे थैंक गॉड सर, वरना और असाइनमेंट भेज देते। सेपरेशन हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेपरेशन हो गया, अगर हम लोग वो ग्रुप अलग अलग चला गया, तो क्या वो डिस्कशन कॉन्वर्सेशन ठीक है कर पाएगा? अरे वी कैन नॉट फाइट विद द क्राउड अंधेरी, बहुत मार पड़ेगी भाई, बहुत बहुत धोएंगे, बहुत ऐसे किलो में धोएंगे, ठीक है। स्टेशन पे अपने बोलते ना अंग हाथ पैर सब ढूंढना पड़ेगा, इतना मारेंगे, ठीक है। तो खाली पॉकेट ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मत मारो, सर धक्का लगा तो सीधा बैक फायर करो, हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। इन दैट केस अंडरस्टैंड द पॉइंट, द पॉइंट इज ये भीड़ के कारण एकादा ग्रुप जो बेंजीन को अटैच है, अगर वो नॉन प्लेनर हो जाए तो, एकादा ग्रुप जो बेंजीन को अटैच है अगर वो नॉन प्लेनर हो जाए तो क्या होगा? अगर वो नॉन प्लेनर हो जाए तो जल्दी बताओ, कैन ही पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस? क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? तो आंसर इज नहीं, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। लेकिन भीड़ भाड़ मतलब क्या, अंडरस्टैंड द पॉइंट। अगर मैं तुमको एकादा ग्रुप देता हूं, लेट्स से सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओके ध्यान से सुनना, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड मतलब COH का काम क्या है, COH का काम क्या है, बेंजोइक एसिड मतलब COH का काम क्या है? माइनस एम या प्लस एम, वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचता है या बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है? माइनस एम या प्लस एम, माइनस एम या प्लस एम या टू हिम, करेक्ट, इट इज माइनस एम। जब वो माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो ये माइनस एम दिखाने के लिए डोंट यू थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेंजीन बोथ शुड बी प्लेनर? यस और नो, बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन दोनों प्लेनर होने चाहिए। बट यहां मान लो ऐसा कोई ग्रुप अटैच कर देता हूं, मैं डायरेक्टली बड़ा ग्रुप ही अटैच करता हूं, इस ग्रुप का नाम क्या है, इस भाई साहब का नाम क्या है? वी कॉल दिस एज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, करेक्ट। अब आइसोप्रोपाइल जो है ऑर्थो, इसको ऑर्थो इफेक्ट भी कहा जाता है। सर इफेक्ट को और एक नाम है, सर इफेक्ट को और एक नाम है, सर इफेक्ट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। सर इफेक्ट को और एक नाम है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, क्लियर हुआ?
ऑर्थो इफेक्ट मतलब क्या? ऑर्थो इफेक्ट मतलब क्या? ऑर्थो इफेक्ट मतलब ऑर्थो के पोजीशन पे बल्की ग्रुप होने से, धक्का मुक्की होने से, ये जो COH है बोलेगा यार मेरे को ना ये प्लेन में रहने का ही नहीं है, ये लोग धक्का दे रहे हैं धक्का दे रहे हैं। उसके कारण होता क्या है, ये जो COH है इन स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, इनहिबिट मतलब रोकना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी भीड़ भाड़ के कारण रेजोनेंस रुक जाना, भीड़ भाड़ के कारण। अभी ऐसा होता है कि जनरली खाली ट्रेन में टीसी टिकट चेक करने वाले आ जाते हैं, खाली ट्रेन ना मतलब पी कार में नहीं, दोपहर में आएंगे, चला टिकट दाखवा टिकट दाखवा टिकट दाखवा, नहीं दाखवला तो चला बाजूला फटके देना, होता है ना ऐसा, बराबर ना, ऐसा होता है करेक्ट। पी कार्स में कभी नहीं आते वो लोग, उनको बोलो कि चलो विरार वाली ट्रेन आ रही है, बोरीली से चढ़ के बताओ टू चेक द ट्रेन। वो लोग अगर ट्रेन में चढ़ गए ना कोट और बैज और सबके साथ, तो बिना कोट और बैज के उतरेंगे बाद में वो लोग अंधेरी में, यानी इतनी गर्दी होती है तो वो लोग घुसते ही नहीं है ट्रेन में, बोलेंगे हम लोग बोलते हैं अरे आओ आओ टिकट चेक करो, कितने लोग विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हैं। दे विल नेवर ट्राई दिस स्टंट, नेवर। वो लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के चेक करेंगे बट ट्रेन में घुसेंगे नहीं। लॉजिक समझ में आया सभी को? क्यों? क्योंकि भाई गर्दी इतना है कि रेजोनेंस करने को जाओ मत, चुपचाप बाहर खड़े रहो, गर्दी में घुसने का नहीं, वरना टिकट छोड़ दो, इतने फटके पड़ेंगे ना तो अपने को टिकट निकल के गांव जाना पड़ेगा, समझ में आया? यानी इसे कहते हैं, हाँ तेरा दोस्त असीम फर्स्ट क्लास में चढ़ गया था, फिर क्या हुआ, तेरा दोस्त फर्स्ट क्लास में चढ़ गया था, फर्स्ट क्लास में मारा कि नहीं? धक्का मुक्की साहिल इज स्टेरिक, तू और तेरा दोस्त साथ में थे और दोनों फर्स्ट क्लास में चढ़ गए, बाल आला सही है, मतलब फर्स्ट क्लास में मारा नहीं सीटी ने, मारा नहीं टीटी ने तेरे को, हाँ। सो रिपल्शन, गर्दी गर्दी इतनी थी कि COH अपने नॉन प्लेनर हो गया, COH बोलेगा बोला भाई मेरे को इस गर्दी से दूर रखो, बेंजीन बाद में मतलब बेंजीन बाढ़ में गया, मेरे को बेंजीन से बात ही नहीं करना है, मेरे को इस झगड़े से दूर हो जाना है, तुमको जो करना है करो, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, ये कौन बोला? COH। क्यों बोल रहा है ये COH? COH इस धक्के से बचना चाहता है, इसलिए ये भीड़ भाड़, इसलिए इसको ऑर्थो इफेक्ट ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो रिपल्शन होता है, ये ऑर्थो इफेक्ट पे जब क्राउडिंग इंक्रीज करोगे तो ये ग्रुप नॉन प्लेनर हो जाता है। बच्चा लो बहुत लाख रुपए की बात कही है मैंने, क्यों मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि आइसोमेरिज्म चैप्टर में ना ये ऑर्थो इफेक्ट के कारण हम लोग एक आइसोमर बनाते हैं, ओके आइसोमर बन जाता है ऑर्थो इफेक्ट के कारण, बेंजीन का एक कंपाउंड है, आगे सीखोगे डोंट वरी। लेकिन उधर ये लोग भूल जाते हैं कि ये जीओसी में ऑर्थो इफेक्ट जो पड़ा था उसी के कारण ये आइसोमर बन रहा है, दे डोंट रिकलेक्ट, उसके वजह से उनके लाइफ में क्या हो जाती है, ट्रेजेडी। अच्छा अब यहां पे एक बच्चा पूछ रहा है सर मेटा इफेक्ट क्यों नहीं होता, सर पैरा इफेक्ट क्यों नहीं होता? अरे मेरा भाई मेरे को एक बात बता, दूसरी ट्रेन में गर्दी है या दूसरे कंपार्टमेंट में गर्दी है, तू फर्स्ट क्लास में बैठा है जनरल कंपार्टमेंट में गर्दी है तो भी तू फर्स्ट क्लास पूरा खाली है, जनरल कंपार्टमेंट में बहुत गर्दी, एकदम पब्लिक ऐसा एकदम ऐसा करके खड़ा हो तो भी तू क्या एसी में ऐसा सॉरी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एकदम कम स्पेस है इस तरह बैठेगा या एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठेगा? कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा? आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा, या क्योंकि बाजू वाले कंपार्टमेंट में गर्दी है, बाजू वाले कंपार्टमेंट में गर्दी है तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे वहां की गर्दी यहां तक फील हो रही है भाई, ऐसा होगा? आराम से ही बैठेगा ना। तो तू अगर मेटा और पैरा पे तेरा ग्रुप अटैच है तो COH से कितना दूर है, बराबर ना, COH से कितना दूर है? ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब वो बीरबल की खिचड़ी जैसा, मतलब बर्नर किचन में जल रहा है
और चाय हॉल में ला के रख दिया, और नहीं नहीं दूर से गर्म होके मतलब हो जाएगा ना, चाय पक जाएगा, इसे दूर से बर्नर वहां जल रहा है, चाय का तपेला यहाँ रखा है, चाय बन जाएगा। सही है भाई, ऐसा मत करो भाई। कंपाउंड में ऐसा क्या होता है, साहिल पूछ रहा है, कंपाउंड में ऐसा क्या होता है जिससे COOH जो है वो नॉन प्लेनर हो जाता है। साहिल मैं इतनी देर से वही समझा रहा हूं बेटा, मेरा लॉजिक ही यही था कि जब इसको धक्का लग रहा है ना, किसको किसको, COOH को, इन दोनों ग्रुप्स का धक्का लग रहा है ना, धक्का, तो वो क्या करता है जब अपने को धक्का लग रहा है, अपने को पता है कि भाई इस जगह पे मैं खड़ा हूं, उस पर आने जाने वाले लोग मुझे धक्का दे रहे हैं, तो मैं ट्रेन में घुसते ही क्या करता हूँ, गेट के पास खड़ा नहीं रहता हूं। हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहां लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, सो दैट हमें जो आवन जावन लोग है ना उनके कारण धक्के कम लगे। बराबर आया ना, आया ना, समझ में आया साहिल भाई, समझ में आया? या प्लेसिडो, करेक्ट, इट शुड बी क्लोज टू इप्सो पोजीशन, ये इप्सो पोजीशन ना, तो इसके क्लोज तो ये दोनों ऑर्थो पोजीशन ही है जिनके कारण यहाँ रिपल्शन हो सकता है। ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, समझ में आया, समझ में आया? अब मैं इस पॉइंट को लेके, इसको कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द हेडिंग, और मैं तुमको थोड़ा सा इस पे कंटेंट लिखा देता हूं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी हो गया था ना अपना, राइट अप पॉइंट नंबर वन, राइट अप पॉइंट वाइज लिखते जाओ। सर इफेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेलिंग किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट सर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बुक में दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट अप कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन, ऑफकोर्स यू ऑल अग्री विद दिस पॉइंट, राइट? रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन, एंड द कॉन्जुगेटेड पार्ट शुड बी प्रेजेंट इन द सेम और नियरली सेम प्लेस। एंड द कॉन्जुगेटेड पार्ट should be present in the same or nearly same plane, in same or nearly same plane, in same or nearly same plane, okay? Point number two, point number one हो गया, आज public बहुत कम है, nearly same plane, nearly same plane हो गया लिख के, okay, point number two, if two groups present at closer distance, if two groups are present at closer distance, comma, repulsion increases, comma, potential energy PE increases, and stability decreases. Hence, the two groups tries to move away. Hence, the two groups tries to move away from each other.
पॉइंट नंबर थ्री, आफ्टर रिपल्शन क्या था, हेंस टू ग्रुप्स ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, रिपल्शन इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, हेंस द टू ग्रुप्स ट्राइज टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, हेंस द टू ग्रुप्स ट्राइज टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. हो गया बच्चा लोग, पॉइंट नंबर थ्री पे आऊं. पॉइंट नंबर थ्री पे ये दोनों पॉइंट समझ में आया. इफ टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट क्लोजर डिस्टेंस, पॉइंट नंबर टू, इफ टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट क्लोजर डिस्टेंस, नजदीक नजदीक होंगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो जनता स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी. राइट डाउन पॉइंट नंबर थ्री. When two bulky groups present very close, when two bulky groups present very close, experiences repulsion. When two bulky groups present very close, experiences repulsion. One group turns outside. One group turns outside of the plane. One group turns outside the plane to minimize the repulsion effect. One group turns outside the plane to minimize the repulsion effect. And once they move outside the plane, continue. And once they move outside the plane, dash is not possible. And once they move outside the plane, dash is not possible. Resonance is not possible. This phenomena is known as stir effect. SIR, steric inhibition of resonance. This phenomena is called as stir effect. Steric inhibition of resonance. Ek niche ek note likhe, N-O-T-E, note likhe. If you have color pen, note उस color pen से लिखें, write down. If a groups attach at ortho position, note. If the group present at ortho position, shows intramolecular hydrogen bonding, shows intramolecular hydrogen bonding with the group present at ipso position, with a group present at ipso position, intramolecular hydrogen bonding with a group present at ipso position, the group present at ipso position, It does not show stir effect. It does not show stir effect. Group present at ortho position, if it shows
intramolecular hydrogen bonding with the group present at ipso position, if it shows intramolecular hydrogen bonding with the group present at ipso position, then it will not show Sir effect. The group present at ortho position, if it shows intramolecular hydrogen bonding with the group present at ipso position, then no Sir effect will take place. Yeah, yeah, Pranav, I got that question. Okay, Pranav is asking ki sir, ye dono इस पिक्चर के विलन है, तो ये लोग नॉन प्लेनर क्यों हो रहे हैं? ये नॉन प्लेनर क्यों, ये लोग नॉन प्लेनर क्यों नहीं हो रहे हैं, और सिर्फ ये नॉन प्लेनर क्यों हो रहा है? एनीबडी प्रणव के इस सवाल का जवाब कोई देना चाहेगा? एनीबडी COH is the group, या मंदार correct, जो दोनों साइड से repulsion face कर रहा है ना, इसको कोई problem नहीं है, ये तो अपना आके ortho position पे बैठा हुआ है, इसको क्या problem है? ये लोग like, भाई हमको कोई problem नहीं है, problem तुमको है, तो तुम non-planar हो जाओ, correct? COH को धक्का लग रहा है, COH बोल रहा है, भाई धक्का मत मार. आकाश वेट 2 मिनट वेट आकाश, ये आइसोप्रोपाइल अपने पोजीशन पे, इसको COH से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ये आइसोप्रोपाइल को COH से कोई प्रॉब्लम. बोला भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको तकलीफ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, तुमको दिक्कत हो रही है ना. प्रणव समझ में आ रहा है बेटा कि ये COH दोनों साइड से एक्सपीरियंस कर रहा है, अंडरस्टूड? तो वो क्या बोलेगा, यार दोनों जन धक्का मार रहे हो यार मुझे, तुम लोग बैठो मैं चला. समझ में मैंने क्या बोला? हाँ या ना, क्लियर हुआ? हाँ, टू मच प्रेशर या अभी मैं तुमको कुछ ग्रुप बनाने जा रहा हूं, तुम बोलो यस सर नो सर. मतलब क्या, यस सर इफेक्ट कहां गया? मतलब जहां यस सर होगा मतलब उधर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, जहां नो सर होगा वहां स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं है. तो यहां देखो पहला एग्जांपल, ये तो एकदम पक्का सर इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप नहीं है. यस सर है या नो सर है, जल्दी बोलो. मीत सेज नो, यश सेज नो, चिन्मय सेज नो, क्या बात है, औरंगाबाद. अंधेरी सेज नो, पार्ला सेज नो, नो अंधेरी सेज ओ ओ ओ बोला या नो बोला, भाई तू एन एन भूल गया डालने को. इवन नासिक सेज नो, इट्स जस्ट बेंजीन भाई, द खाली ट्रेन में अकेला आदमी है, काय को धक्का, थोड़ी चिल्लाएगा, खाली ट्रेन में कोई नहीं है, थोड़ी चिल्लाएगा अरे धक्का कौन मारा रे. नो बोल रहा है यार तुम लोग, बहुत उदास कर दिया यार मेरे को, नो बोलता है तुम लोग. Double double oblique. Yes. क्या बात है बब्लिक, एकदम फुल फॉर्म में आज एकदम सही. Yes sir. No sir. No sir.
चलो ये वाला यस सर की नो सर छे आ जो पटापट पटापट जो आ शू छे यस सर छे कि नो सर छे नो नो सर अरे भाई साहब NH2 और NO2 वाय नो सर तमारो माथो फरी गयो छे तमारो माथो फरी गयो छे हाँ ये सही बोला मुद्दे की बात की कि यहाँ पर क्या होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर क्या बोला नो सर यहाँ बोलो अरे तमारू मंजे वो उसमें आपन रिस्पेक्ट दे रहा है ना तारू बोला तो रिस्पेक्ट की बात ही नहीं आए ना भाई तमारो बोल के अपन रिस्पेक्ट नहीं दे रहे भाई तुमको चलो आ शू छे यस सर छे कि नो सर छे फिर से नो सर अरे यस सर होएगा भाई ये ध्यान से देखो लक्ष्य सुद्या लौकर चला अरे यस सर है भाई ये यस सर है ध्यान से देखो सही है एकदम एकदम बच्चा लोग एकदम स्ट्रांग हो गया एकदम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बात है एकदम चलो नेक्स्ट वाला यस सर छे कि नो सर छे यहाँ पे होगा यस नो अरे डेविड भाई ये यस है यार दिस ग्रुप सेड यस टू यू यस ये ग्रुप ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया दिस ग्रुप सेड यस टू यू डेविड भाई हाँ क्योंकि आयोडीन भाई साहब इस आयोडीन वाले का ऑर्बिटल साइज इज 5s 5p ये खुद ही एक बहुत बड़ा जाइंट है बाबा ये खुद ही बहुत बड़ा जाइंट है समझा श्रावणी हाई फाई क्यों दे रही है बेटा डाउट है तो पूछ ले श्रावणी जी सभी पूरे क्लास से आशीर्वाद बरसाते हुए हाथ ऐसे ही रखे देवी माँ की जय हो जय हो जय हो चलो जी इसी के साथ अक्षय अपना आंसर देते हुए और अक्षय ने कहा नो सर सारे खिलाड़ी यस सर की ओर जाते हुए प्रणव भी नो सर की ओर बढ़ते हुए सारे ऋतुजा भी नो सर कह रही है मनन कैसा है बेटा अजिंक्य भी नो सर अरे कायको नो सर पाठक भी अपना नो सर बोल रहा है श्रावणी नो सर आयुष अरे मेजोरिटी नो सर बोल रहा है मुझे कोई रीजन दे देगा नो सर बोले जा रहे हो भाई एन शोज एच बॉन्ड अरे नहीं भाई नहीं 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 नो 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 एज बॉन्डिंग भाई शू करो छो तमे नो एज बॉन्डिंग भाई ये एक नीचे इस ग्रुप के नीचे एक नोट लिखो जल्दी लिखो सब लोग लिखो ग्रुप लाइक ध्यान से लिखो नोट लिखने का भूलने का नहीं ऋषिकेश नोट लिखो बेटा ग्रुप लाइक OH, फ्लोरीन NH2 सी ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप लाइक OH, F, NH2 सी ट्रिपल बॉन्ड N भाई भूलने का नहीं है मंगता है तो इधर टैटू बना लेना टेम्पररी वरना पेरेंट्स मेरे पीछे भागेंगे क्या बच्चों को कि क्या पूरे बॉडी पे फॉर्मूला लिखा के रखा है OH, F, NH2 CN ग्रुप्स लाइक दीज Do not show
अगेन आई रिपीट माय लॉर्ड दे डू नॉट शो सर इफेक्ट. सर ऐसा क्यों सर, व्हाई दे डू नॉट शो सर इफेक्ट सर, व्हाई श्रिया, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू एंड यू आर आस्किंग सेम क्वेश्चन टू मी. अथर्व सेज दे आर नॉट बल्कि. They are small group. They are not bulky. Size is small. Yeah, answer to de hi rahe ho yaar sabhi log. Highly electronegative. Oh, 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 oh. Nahi, Shreya, aur kuch? High minus I said, अरे भाई जब बेंजीन पे OH group attach होगा तो वो minus I दिखाएगा या plus N दिखाएगा? कौन था वो highest minus I effect? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट दिखाना बेटर है या प्लस एम इफेक्ट दिखाना बेटर? तो ऑब्वियसली आंसर इज प्लस एम इफेक्ट दिखाना बेटर है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू शो प्लस एम इफेक्ट. क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके ओके. सो कोमल, एनी डाउट बेटा? हाँ, F O N, ये लोग H बॉन्डिंग तो दिखा ही सकते हैं बट इनका ऑर्बिटल साइज भी छोटा है. ओके, ऑर्बिटल साइज छोटा है. ये लोग अगर मतलब इतने बल्की ग्रुप भी नहीं है ना, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज गुड. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, सेम ऑर्बिटल साइज, कार्बन से इनकी मिलती जमता है इनका कार्बन के साथ. तो इनफैक्ट बेंजीन भी इनको बोलेगा यार नॉन प्लेनर मत हो जाओ, अपनी बॉन्डिंग अच्छी है. वो बाजू वाला थोड़ा सा धक्का मार रहा है, एडजस्ट करो ना तुम लोग. नॉन प्लेनर होएगा अपना दोस्ती पे आ जाएगा, ऐसा थोड़ी चलेगा. इसलिए जो दोस्ती की बात है ना, ये देखो किसी ने तो मुझे रीजन भी दिया ना, OH नाइट्रोजन, ये लोग ऐसे ग्रुप हैं जो बेंजीन के साथ प्लस M दिखाते हैं. हाँ या ना? हाँ या ना? करेक्ट. हाँ, अभी ये कुछ एग्जाम्पल. जल्दी बोलो यस सर और नो सर. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. सबको लॉकडाउन मिलेगा, जल्दी बोलो. हाँ, एकदम एकदम स्मार्ट बच्चा लोगे एकदम. चलो चलो जल्दी जल्दी. अश्वत, आयोडीन इज मेड अप ऑफ 5s 5p, यानी वो ऑर्बिटल साइज ही बहुत बड़ा है. अगर ऑर्बिटल साइज बहुत बड़ा है तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा. समझ में मैंने क्या बोला? अभी एक एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. गोल्फ खेलते, गोल्फ का जो कैविटी होता है, उस कैविटी में, उस होल में हम लोग क्या फुटबॉल डाल सकते? नो ना, नहीं. रीजन वही है, अगर ऑर्बिटल साइज उतना बड़ा है तो यू कैन नॉट. अभी इमेजिन पूरे फुटबॉल टीम को, ओके, लिवरपूल, इन सबको बोला जाता कि तुमको ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल, उसको इतने से होल में उसको डालना है, पैर से मारो और उसमें डालो. अरे तो नहीं होता ना यार, वो लोग ने बड़ा सा नेट बनाया. ये डिफरेंस है. ये ग्रुप आयोडीन बहुत बड़ा है, हवा निकाल के डाल देंगे. हाँ बराबर अश्वत, बराबर. नहीं नहीं, अश्वत ने नहीं बोला, किसी और ने बोला हवा निकाल के डाल देंगे. मतलब इतना टैलेंट लाते कहां से? मतलब बस. अच्छा, अब हम लोगों ने 6 इफेक्ट सीखे बच्चों, उसमें सर इफेक्ट भी आ गया. नेक्स्ट इफेक्ट था स्टेरिक इफेक्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. पर चलो अब मैं इन सारे हथियार को इस्तेमाल करने जा रहा हूं. आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक. ये सारे जो इफेक्ट किए ना हमने, इफेक्ट, अब हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं. उस नए टॉपिक को
नियरली सेम प्लेन क्या लिखा था, क्या लिखा था, वापिस भेज भाई, सिक्स इंफिनिटी स्टोन या प्लासिडो आई लव यू, सही है, सिक्स इंफिनिटी, नियरली सेम प्लेन इज ऑल्सो ओके फॉर रेजोनेंस. नियरली सेम प्लेन का मतलब क्या होता है वे, है COHOH, नो नो सर इफेक्ट, नो सर, नो सर, नो सर, समझा सर, नो सर, नो सर, नो सर, समझा. राइट को करो. अबे ऊपर लगा हुआ घड़ी देखेगा क्या तू मेरे घर का? चलो अच्छा, आज आज पब्लिक बहुत कम है यार, मैं निराश हो चुका हूँ. 205 लोग ही है क्या है? सर बहुत ज्यादा लोग है, आजकल तो इतनी शादियों में भी नहीं जाते. ओके एवरीवन इज टायर्ड. अबे तुम लोग बॉर्नविटा पी के आया करो बे तुम लोग. इसमें मैंने क्या बोला, ओएच सर इफेक्ट नहीं दिखाएगा, OH नहीं दिखाएगा, तो OH इधर है, CN है, तो ये लोग काय को सर इफेक्ट दिखाएंगे. ओके बच्चे लोग, अब तुम लोगों ने जो 6 इफेक्ट सीखा है ना, अब उसको पूरा मतलब समझ लो. अब हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, जहां पर तुम इस 6 इफेक्ट को, मतलब तुमको सर ने तलवारबाजी सिखा दी, अब तुम मैदान में उतर रहे हो इन 6 इफेक्ट्स को, वॉर रियल, मतलब अभी ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड अभी तुम्हारा काम चलेगा. तो तुम अब खड़े रह के झगड़ा करने वाले हो. साहिल जी आशीर्वाद देना बंद करो, डाउट पूछो, हैंड रेस करके कर रहे हो बेटा. साहिल जी कुछ डाउट है बेटा? नहीं, चलो ऐसे करके बच्चे बैठ जाते ना तो मुझे. मतलब ऐसे निर्मल बाबा याद आता आ जाते हैं. हाँ जी चलो, रिकॉर्डिंग पे ऐसे बाबा बाबा का नाम नहीं लेते. लास्ट थ्री, नो सर, नो सर, नो सर. अरे आज तो सुबह ही मैं डाउट सेशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, बट ऑलरेडी तुम्हारा स्केड्यूल इतना टाइट था तो वो लोग ने बोला सर इनको इनकी जान चली जाएगी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आंसर की मिल गया ना सभी को? आंसर की मिल गया? नो हेट यू डिंट गेट? हाँ, और असाइनमेंट टू भी भेजा. हाँ जिनको नहीं मिला प्लीज हेमांगी मैम को एक मैसेज डाल दो, यू विल गेट. असाइनमेंट टू भी भेजा है मैंने और असाइनमेंट थ्री कल भेजूंगा. इंटरमीडिएट, यार ऋषिकेश फाइन बेटा, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, ये जो 6 इफेक्ट्स तुमने सीखा है ना, ध्यान से सुनना, इन 6 इफेक्ट्स को इन अरे कोमल चक्कर आ रहा है क्या तुमको? कुछ भी लिख रही है एबीसीडी, हाँ चक्कर आ रहा है तुमको, पानी पी के बैठो. इंटरमीडिएट्स में हम लोग अब जो सेक्शन करने वाले हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं, सारे 6 इफेक्ट का एप्लीकेशन मैं सिखाने वाला हूँ, और ये इंटरमीडिएट थ्रू आउट सिलेबस यूज होने वाला है. थ्रू आउट सिलेबस मतलब तुमको ये सारे इंटरमीडिएट पूरे सिलेबस में, ईच एंड एवरी चैप्टर, आई कैन शो यू दिस थिंग, ईच एंड एवरी चैप्टर, आई एम नॉट जोकिंग. यानी ये यहां पर अगर तुमने अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर दिया तो तुम्हारा रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक लाइफ एकदम सूखी जाने वाला है. बात ध्यान से सुन लो, यहां अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो. मैं बार बार दूसरे चैप्टर्स में इन इंटरमीडिएट को रिवाइज बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे साइड से नो नो नो, अंडरस्टूड?
तुमको करना है यहाँ जो मुझसे डाउट पूछना है इन इंटरमीडिएट से रिलेटेड पूछ लो, ओके। उसके अलावा चैप्टर में मैं ये जो अब करा रहा हूं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, इसलिए अभी पूरा लिबर्टी। सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं कराने जा रहा हूं इंटरमीडिएट्स में वो है कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट्स मतलब वो लोग जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। तो कार्बोकैटायन वो होता है जिसके आजू बाजू तीन बॉन्ड और अप एंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो कैन यू टेल मी, एक कार्बन के आजू बाजू अगर तीन बॉन्ड है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सिक्स। अक्षय चपेट खाएगा एक, अभी सात बोल रहा है। तो कैन आई से इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड? इफ एट ऑल इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड जनता, तो ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी प्लेनर, ऑफ कोर्स इट विल बी प्लेनर। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? कोमल आशीर्वाद क्यों दे रहे हो बेटा, क्या डाउट है? कोमल नींद में एक्चुअली, कभी आशीर्वाद दे रही है कभी कुछ भी टाइप कर रही है, ओके। तो मैं अभी तुमसे अलग अलग टाइप के कार्बोकैटायन कोमल क्या हो गया बेटा तुमको, गो वो थोड़ा चाय वगैरह कॉफी पी के बैठो बेटा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप कार्बोकैटायन का मैं करने जा रहा हूं, तीन कैटेगरी, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। बच्चा लोग कार्बोकैटायन तो ऑलरेडी, आई मीन टाइप ऑफ कार्बन तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। प्राइमरी कार्बन वो जो एक कार्बन को अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन वो जो दो कार्बन को अटैच हो, टर्शियरी कार्बन वो जो, टर्शियरी कार्बन कितने कार्बन को अटैच होना चाहिए? हाँ, तीन कार्बन को। हिमांशु ऐसा खींच के मारेगा ना तेरे को, चार बोल रहा है, तीन तीन कितने कार्बन को अटैच होना चाहिए? तीन। हाँ तो टर्शियरी कितना? तीन, सेकेंडरी दो, प्राइमरी प्राइमरी एक, ठीक है। मैं कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनना। अब मैं फटाफट इसको बता देता हूं, ये हो गया मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, हाँ प्लस आई सच में किया था हम लोगों ने। ये हो गया प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड नेक्स्ट क्या होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन। व्हाट इज मिथाइल कार्बोकैटायन? देयर इज पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जनता क्लियर? दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन। देन देयर इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। बच्चे लोग इंडक्टिव इफेक्ट में हमने ये किया था। ऑल डियर किड्स, ऑल डियर किड्स, ऑल माय जीनियस किड्स, जल्दी जल्दी याद आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यस यस, एकदम एक से एक रैंकर बच्चे हैं भाई। विले पार्ले, बोरीवली, गोरेगांव, नासिक, औरंगाबाद, अंधेरी, सब सब में धमाका होएगा नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आएगा ना। टर्शियरी कार्बोकैटायन भाई, तुम लोगों का पेपर वेपर में अगर इंटरव्यू आ गया तो मेरा नाम भी मतलब थोड़ा ले लेना है, मतलब कोशिश करना, ठीक है? हैं जी, याद रखना, मतलब भूलना मत, मतलब समझ गए ना? हाँ हाँ, पाठक तो पक्का लेगा, पाठक पे भरोसा है। अच्छा, इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? और डॉक्टरों से निवेदन है, जो नीट वाले हैं वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो जरा याद रखना सर को, वरना भूल जाओगे तुम लोग। क्या सर, कौन से सर? चलो जी, रीजन रीजन,
तुम लोगों को कल गुड़ी पाड़वा की छुट्टी है क्या? मजाक कर रहे हो भाई? अरे किसी ने तो लिखा, हाँ नहीं नहीं अच्छा यू आर आस्किंग श्रावणी, नो 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 छुट्टी बेटा, हो गया लिख के। अच्छा मुझे बताओ ये कौन सा है? हाँ जी ये कौन सा है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? टर्शरी, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। अरे एक से घिरे बच्चे लोग हैं इधर। इन दोनों टर्शरी है, दोनों टर्शरी में से, इन दोनों टर्शरी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट और सेकंड में से सबसे ज्यादा, तुहिन से, सेकंड चिन्मय से, सेकंड अक्षय से, फर्स्ट नहीं नहीं राजदीप से, सेकंड ज्ञान से, फर्स्ट या अक्षय तुम शायद सेकंड बोला, क्या बोला? हिमांशु सेकंड, ऋषिकेश फर्स्ट, साहिल सेकंड, हेट सेकंड, अशोक सेकंड। सेकंड क्यों? आयुष से सेकंड, नहीं आयुष से फर्स्ट सॉरी, वृष्टि से फर्स्ट, मनन फर्स्ट, नीड मोर सपोर्ट, मोर सपोर्ट, डेविड से फर्स्ट, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ। अभी देखो कैसा एप्लीकेशन आता है पता है, इसलिए मैं तुमको ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था कि पुराने छह इफेक्ट कैसे आएंगे। ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज वाले को जो भी कार्बन अटैच है, ध्यान से रीजन सुनना, आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, सो ट्राई टू कनेक्ट विद द इफेक्ट विच वी हैव डन, ट्राई टू कनेक्ट विद द इफेक्ट। ये कार्बन एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये अपने लिए इन शॉर्ट एक साधारण भाषा में एक फंक्शनल ग्रुप जैसा हो गया, क्लियर? फंक्शनल ग्रुप जैसा हो गया। नाउ देर इज सी एच थ्री ग्रुप, देर इज सी एच थ्री ग्रुप, देर इज सी एच थ्री ग्रुप। इनको जो सी प्लस को अटैच है ओ कार्बन को हम लोग कहते हैं, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और या प्रणव ऑन द राइट ट्रैक, और उस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यस और नो जल्दी बोलो, यस। तो अब तुमको हिंट दे दिया, अगेन यू गो थ्रू विद द क्वेश्चन एंड ट्राई टू इवैल्यूएट कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अक्षय ऑन द राइट ट्रैक, क्या बात है, वेरी गुड चिन्मय, यस या अथर्व, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, या पीपल आर चेंजिंग देयर आंसर, यस यस, मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी, डेविड एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट वन या बिकॉज यहां का अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 9 है, हु इज मोर स्टेबल? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, या सो दिस वन विल बी मोर स्टेबल। ओके ये टाइप लिख लिया तुमने, मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लिखा लिखा, ओके okay. अभी मैं इसमें तुमको अलाइलिक कार्बोकैटायन बनाता हूं, ओके नेक्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बाद वो तीन टाइप के बाद आता है चौथा टाइप, नहीं वो चार टाइप थे ना, मिथाइल भी बोला ना मैंने, आता है पांचवा अलाइलिक कार्बोकैटायन। बच्चा लोग ऑल माय डियर किड्स, ऑल माय रैंकर स्टूडेंट्स, सो सर इन दिस फोर्थ टाइप कौन सा फोर्थ टाइप? टर्शरी वाले में, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में पहला स्ट्रक्चर जो दिया था
ओके उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, ये sp3 वाला कार्बन, जो sp2 डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन है ना, वो आजू बाजू सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए उसको। करेक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अलाइलिक कार्बन का टाइम। ये देखो ना, रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पर चलो देख लो। यस, तो ये अलाइलिक कार्बोकैटायन, इसको मैं ना 1 डिग्री अलाइलिक कार्बोकैटायन भी कह सकता हूं। यू विल अंडरस्टैंड जब मैं नेक्स्ट 2 डिग्री अलाइलिक कार्बोकैटायन बनाऊंगा। इसको कहेंगे 2 डिग्री अलाइलिक कार्बोकैटायन और इसको कहेंगे 3 डिग्री अलाइलिक कार्बोकैटायन। पाठक, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑल्सो, और अल्फा एच भी देखेगा ना बेटा। ये देखो ना, इधर इधर प्राइमरी में कोई भी अल्फा एच नहीं है। करेक्ट, यहां पर देख 3 अल्फा एच आ गया, यहां देख 3 और 3 6 अल्फा एच आ गया, प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज। पाठक ने एकदम सही आंसर दिया कि अलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। करेक्ट, सेकंड वाला रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है, थर्ड रेजोनेंस प्लस मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्टेबलाइज। ये रीजन लिखो बच्चों, ये सारे रीजन मेंशन करो। ऋतुजा, मैंने उसको करेक्ट किया बेटा कि ये जो अलाइलिक कार्बन होगा ना, उसके आजू बाजू सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। उसको sp3 था बेटा, एक ग्रुप निकाला, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया ना, पॉजिटिव चार्ज आया ना, आजू बाजू 3 बॉन्ड होने चाहिए उसको, बात खत्म। यू कैन नॉट राइट, ये देखो डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं लिख सकते कि डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन अलाइलिक। नहीं नहीं, ये भी खुद तो डबल बॉन्ड से ही अटैच है ना, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कहते हैं विनाइलिक, अगर तुमको IUPAC याद होगा तो। इसको विनाइलिक कहते हैं, इसको विनाइलिक कहते हैं, और इसको अलाइलिक कहते हैं। विनाइलिक विनाइलिक अलाइलिक, विनाइलिक विनाइलिक अलाइलिक। क्लियर 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 ओके, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बता देता हूं बिकॉज ये यूज होता है, एग्जाम्पल एक्सेप्शन। इसको मैं सिर्फ यहां लिख देता हूं, जिसको कहते हैं विनाइलिक कार्बोकैटायन, इज वेरी अनस्टेबल। बच्चे लोग ऐसा क्यों? रीजन ध्यान से देखो, सोचो और बताओ। या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। डबल बॉन्ड क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। यार ऋतुजा, श्रेया, पॉइंट इज दिस इज ओनली रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। सेकेंड वाला इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस के कारण, प्लस 3 अल्फा H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में रेजोनेंस स्टेबलाइज और साथ साथ इट इज हैविंग 6 अल्फा H मतलब और हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। यहां कोई डाउट किसी को?
हेट किधर चार अल्फा एच बेटा, इधर छह अल्फा एच है ना, इधर तीन अल्फा एच है, चार कैसे? ये डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इसको जो कार्बन अटैच है, इसको जो कार्बन अटैच है, पॉजिटिव चार्ज को जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, समझा बेटा? ये अल्फा कार्बन ये है अल्फा कार्बन, ओके okay? और इसको जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यूज हो रहा है, ठीक है। लास्ट वन वाला विनाइलिक कार्बोकैटायन इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है एंड डबल बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ू। अलाइलिक हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया, मिथाइल हो गया, अलाइलिक हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। क्या लिखा है ये? बच्चा लोग एक छोटा सा पॉइंट मैं तुमको हाईलाइट करना चाहूंगा, जो बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है बच्चे करते हैं, और वो मिस्टेक मतलब तुम्हारे सामने रख देना एकदम सही होगा। कभी कभी क्या होता है पता है, जनरली बच्चे लोग आते हैं मुझसे कहते हैं कि सर ये देखो हम लोगों ने बेंजिलिक कार्बोकैटायन बनाया। बच्चा लोग ये जो बेंज वर्ड है ना, बेंज, अंडरस्टैंड द पॉइंट, बेंज वर्ड मतलब बेंजीन के बाहर जो कार्बन होगा उससे रिलेटेड होगा। यानी प्लीज अंडरस्टैंड, नॉमनक्लेचर पे वापस ले जाता हूं, तो पीपल कॉल इट एज बेंज अल्डिहाइड। ओएच लगाया, बेंजोइक एसिड या अजिंक्य, फिनाइल, फिनोलिक नहीं, फिनॉल इज OH, ये बेंज लग गया। अगर बेंजीन के बाहर CH2 है और उधर OH डाला, उसे कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसे? बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? ये फिनाइल कार्बोकैटायन है, फिनाइल, तो प्लीज इसको नहीं यूज करना। क्या इसका प्लस चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? नो, तो रेजोनेंस तो होगा ही नहीं। ओके, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? कम ऑन गाइस, जस्ट अ केक वॉक फॉर यू पीपल, कम ऑन, यू कैन डू इट। अमंग वन टू थ्री, कम ऑन गाइस, या एब्सोल्युटली कोई भी मुझे गलत आंसर नहीं दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा पड़ेगा इंडिया तो जरूर बढ़ेगा इंडिया। क्या बात है भाई, आई लव दीज बैचेस यार, एकदम एकदम डाई हार्ड फैन है मैं इन बैचेस का। 3, 2, 1, समझ में आया सभी को? ठीक है, या अभी फटाफट कुछ नोट लिखते हैं।
फटाफट, और फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूँ इनपे, कार्बोकोटाइन के क्वेश्चंस इस तरह कराऊंगा कि हम लोग सारे इफेक्ट उसमें यूज कर रहे हैं। बच्चा लोग ध्यान से सुनना, कार्बोकोटाइन जीओसी तक ही सीमित नहीं है, यू गोइंग टू यूज दिस थ्रू आउट द सिलेबस। इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अच्छे से आंखें खोल के अच्छे से सॉल्व करना है। राइट डाउन पॉइंट नंबर वन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इतना बड़ा लिखो मत, ईडीजी ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो लिखा है, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या ये सत्य वचन है कि असत्य है? सत्य वचन है या असत्य है? ट्रू ट्रू या टुरु टुरु, एकदम टुरु है भाई ये। जो प्लस चार्ज मतलब भूखा है, भूखे को जितना लोगों का सपोर्ट मिलेगा उतना भूखा स्टेबल होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे बेंजिलिक तो यहाँ पे देखो, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये रेजोनेंस भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, रेजोनेंस भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, तो क्या चाहिए? रीजन तो ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, ब्रैकेट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, ब्रैकेट के बाद लिखना है इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। ईडीजी ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन कौन सा? प्लस आई, प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रैकेट, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड केस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक माइनस आई, माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। अरे किसी गरीब से इलेक्ट्रॉन खींचोगे विड्रॉइंग ग्रुप, किसी गरीब को और गरीब बनाओगे तो क्या होगा? अरे बाबा इस प्लस एम को ही रेजोनेंस कहा जाता है, अक्षय जी बोलिए। बोलना मेरे प्रिय मित्र अक्षय, बोलना कौन सा अश्वत्थ। रेजोनेंस, सिग्मा रेजोनेंस इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सिग्मा रेजोनेंस इज दिस ना बेटा, इधर ये तोड़ेंगे ना, वो तो ऑल टुगेदर अलग ही इफेक्ट है। एग्जाम्पल उसका जब आएगा तो सिग्मा रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे अक्षय। अच्छा जल्दी फटाफट, इलेक्ट्रॉन क्या, इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। मैं बोल रहा हूं ना, एक क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में छह के छह इफेक्ट यूज हो गए हों, और ऐसे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इफेक्ट यूज हो रहा हो, या तो इंडक्टिव इफेक्ट या तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसा। सो यू हैव टू डील विथ ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डैश स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विड्रॉइंग, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। चलो फटाफट क्वेश्चन करेंगे, तुमको ऑर्डर लिखना है 1 2 3 4 जो भी है, क्वेश्चन करना शुरू।
थोड़ी देर मतलब कमेंट मत लिखो अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, तो आई मे नॉट बी एबल टू सी। तो तुम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले। मैंने कहा प्लीज मेरा क्वेश्चन होने तक आंसर मेंशन मत करो, तो प्लीज क्वेश्चन कॉपी करो, इतना मेहनत करके आंसर कमेंट में मत लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, एक एक करके डिस्कस करते हैं। घाई मत करो, घाई मत करो, डिस्कशन इज मस्ट। तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का तुम्हारे नोटबुक में एक्सप्लेनेशन लिखा होना बहुत जरूरी है। एंड मेक अ हैबिट तुम्हारे पूरे दिए हुए क्वेश्चन को प्रॉपर रीजन के साथ एक्सप्लेन करने का। अंडरस्टूड बच्चा लोग? लास्ट वाला मैंने ये फर्स्ट वाले का मिटा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर वन। भाई सभी लोग तभी भी आंसर लिखे जा रहे हैं, घाई मत करो यार, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका तो तुमने क्वेश्चन कॉपी किया होगा, या फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का क्या आया आंसर? फोर थ्री टू वन, या करेक्ट 4321, दिस इज करेक्ट, फर्स्ट वाला इज करेक्ट, 4321, या एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। क्वेश्चन नंबर टू, बोली लगाओ बच्चों, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ऑडियंस पोल, पीपल आर सेइंग इट्स 312, 312, आई से 321, रीजन रीजन रीजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर, श्रावणी डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, श्रावणी 312 नहीं, मेरे हिसाब से इट इज 321 321 321। यहाँ पे 3 सबसे अच्छा, बिकॉज 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके okay? यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो तुमने आ, 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 इसको 312 क्यों बोला? इट शुड बी 321 ना, अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, 2 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ही इज द बेस्ट।
Rutuja on right track, Rutuja. Rutuja, please explain your answer. Rutuja is saying plus I effect. Yeah, suppose bigger alkyl. Akshay, absolutely correct. Ye bhi plus I dikha raha hai, ye bhi plus I dikha raha hai. Yahan teen log plus I pe hai. Yahan sirf do log plus I effect pe. So order is 3-1-2. Kya baat hai? Ekdam lazeez batch, lovely batches ekdam. ऐसा बच्चा लोग कहीं मिलेगा ही नहीं अपने को, एकदम सुपर्ब बच्चा लोग, एकदम सुपर्ब. कम ऑन नेक्स्ट. ये वन हो गया, टू हो गया, कम ऑन बच्चा लोग. थर्ड इज 1-3-2-4. ओके 1-3-2-4. एनओ टू इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप? विड्रॉइंग, डोनेटिंग, विड्रॉइंग, डोनेटिंग. ऑफकोर्स इट इज डोनेटिंग या विड्रॉइंग. NO2 कौन सा ग्रुप है? खींचने वाला, देने वाला, खींचने वाला, देने वाला, खींचने वाला, देने वाला. डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है? डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है. ऑफकोर्स वो डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप है. खींचता है, खींचता है. NO2 चोर है, खींचता है, खींचता है. ओके मतलब NO2 पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर रहेगा भाई उसको दूर ही रखो. यहाँ NO2 नहीं है, ही इज द बेस्ट. यहाँ क्यों, ये वन के बाद क्यों आएगा थ्री? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और खींचने वाले ग्रुप बहुत दूर है. तो 1-3-2-4. फोर इज वर्स्ट, फोर इज वर्स्ट. भूखे के सामने, गरीब के सामने चोर बैठा हुआ है. पॉजिटिव चार्ज, गरीब चोर को देख रहा है, चोर गरीब को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को एकदम आमने सामने, आमने सामने. बैंड बज गई कि नहीं इसकी? श्रेया समझ में आया रीजन बेटा? NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना दूर रहेगा उतना बेटर, जितना दूर रहेगा उतना बेटर. पब्लिक, पब्लिक, एक भी आंसर अभी तक रॉन्ग नहीं गया तुम लोगों का, एकदम लजीज. 1-3-2-4. श्रावणी एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसा पड़ेगा अपन फर्स्ट आने वाले है. निहारिका फर्स्ट, सेकेंड का ऑर्डर है 3-1-2. निहारिका सेकेंड का ऑर्डर है 3-1-2. पहले अल्फा एच गिरने का, ये सबसे ज्यादा अल्फा एच. यहाँ दो दो सेम हो गया, उसके बाद इसमें प्लस का इफेक्ट ज्यादा है. कार्तिक फर्स्ट का तो 4-3-2-1 था ना, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबिलिटी. क्या बात है, पब्लिक का एक भी आंसर रॉन्ग नहीं गया भाई, एकदम एकदम सुपर्ब बैच, एकदम सुपर्ब. चलो फोर्थ वाले पे लगाओ बोली, लगाओ बोली, जल्दी जल्दी. फोर्थ वाला, फोर्थ वाला. 3-1-2 बोल रहा पब्लिक, 3-1-2 बोल रहा है. 3-1-2. अजिंक्य 3-2-1. अजिंक्य ने सिर्फ 3-2-1 बोला है. आई अग्री अजिंक्य. तुहीन भी 3-2-1 बोल रहा है, अक्षय भी 3-2-1 बोल रहा है, और इसी के साथ चिन्मय चौका मारते हुए 1-3-2 ऑर्डर बोल रहे हैं. अरे चिन्मय यार, जान लेगा तू मेरी यार, ऐसे मत करे यार. पॉजिटिव चार्ज मतलब गरीब. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप? जल्दी बोलो. अरे विड्रॉइंग ग्रुप है ना लाला, यहाँ पे ये sp3, ये सपोर्टिंग ग्रुप है बराबर. तो थ्री इज द बेस्ट, थ्री इज द बेस्ट. उसके बाद ये sp2 है और ये sp है. अब मुझे बताओ इन दोनों में से गरीब से कौन ज्यादा खींचेगा? तो बराबर है, एसपी वाला अगर ज्यादा खींचेगा तो एसपी ये ज्यादा परेशान होगा या पहला वाला ज्यादा परेशान रहेगा? ऑफ कोर्स. तो अब ऑर्डर क्या होगा, जल्दी करो, अब ऑर्डर क्या होगा? इसके बाद कौन सुखी आत्मा है? हाँ, तो जिन्होंने भी 3-2-1 बोला था ये 3-1-2 हो गया. मुझे लगा यार अपन एकदम एकदम फुल सारे 100% एकदम सब राइट देंगे यार, इधर चौथे वाले में सर निराश कर दिया लोगों ने. एसपी इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना, परसेंट एस कैरेक्टर उसका ज्यादा है. तो पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिव चार्ज तो और अनस्टेबल होगा, करेक्ट. फिफ्थ वाले पे आ जाओ, फिफ्थ, कम ऑन भाई साहब. हाँ चिन्मय, रीजन मेंशन करो बच्चों, अपनी गलतियां भी लिखने का रीजन में, कि आई थॉट दिस बट दिस इज द रीजन, एक्चुअल रीजन. ऐसा करोगे ना
तो 6 महीने बाद भी तुमको वो स्ट्रक्चर पेज तब याद रहेगा। गलतियां भी लिखो, तुम्हारा जो आंसर तुमने रॉन्ग आंसर लिखा था ना, वो लिखने का कि हाँ दे माई आंसर वॉज रॉन्ग बिकॉज आई थॉट दिस, बट एक्चुअल रीजन इज दिस। कमॉन प्रणव प्रणव प्रणव, यश आंसर देते हुए, प्रणव चौका मारते हुए, अनीश 1423 बोल दिया, अनीश यार अनीश, ऋतुजा 1234 काफी बुरी तरीके से आउट होते हुए, अक्षय 4321, क्षितिज 2341, जयान 2431, हेट 4321, अक्षत रॉन्ग, हिमांशु 4321, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अजिंक्य यार दिल तोड़ दिया यार, पाठक भाई फोर के बाद मंदार, यस मंदार, करेक्ट 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 करेक्ट। अरे तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे, एक सेकेंड, शांतता शांतता, पेशेंस, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। तुमको याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि खाना और भूखा आमने सामने रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं? यस अक्षय, हाँ फोर्थ में बैक बॉन्डिंग होगा, क्या बात है क्या बात है, यानी फोर्थ सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, सब सब इफेक्ट का फादर है फोर्थ वाला, ओके। और उसके लिए प्लस और खाना आजू बाजू में होना चाहिए। अब यहाँ पर खाना तो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में रुकाओ, खाना आजू बाजू में है, यहाँ खाना आजू बाजू में है, परंतु पॉजिटिव चार्ज क्या खाने के कॉन्जुगेशन में है? क्या पॉजिटिव चार्ज? नो, मतलब वो खींचने का इफेक्ट दिखाएगा। याद करो 1970 में किया हुआ एग्जाम्पल, अरे कंजरो पिछले सैटरडे को ही किया हुआ एग्जाम्पल है, हाँ भूलते हुए शर्म नहीं आई जरा भी है? तो ये माइनस का इफेक्ट दिखाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज पे माइनस का इफेक्ट वाला रहा ग्रुप, पॉजिटिव कहाँ गया पॉजिटिव चार्ज, हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अगर ऑक्सीजन दिखा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा? अनस्टेबल रहेगा, वेरी गुड। तो फोर्थ के बाद हम चलेंगे फर्स्ट पे। फर्स्ट पे क्यों? ऑक्सीजन ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पिच नहीं है, और क्या चाहिए लाइफ में? मतलब यहां पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है? आजू बाजू में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बैक बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, याद आया? प्लस का इफेक्ट याद आया? यस। और उसके बाद तो फोर के बाद वन, अब सेकेंड और थर्ड में बोली लगाओ, कमऑन 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 कमऑन, पॉजिटिव चार्ज विड्रॉइंग से दूर रहेगा पास रहेगा, दूर रहेगा पास रहेगा, दूर रहेगा पास रहेगा, यस 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 यस। क्या बात है, अगला 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 अगला, चलो 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 चलो, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये क्वेश्चंस ना तुमको हर स्टैंडर्ड एडवांस के लिए जो डिफिकल्ट बुक्स होते हैं उनमें जरूर दिखेगा। बिटवीन 1 एंड 2, जयान 1 एंड 2, टू में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसके कारण पॉजिटिव पे पुलिंग इफेक्ट आ रहा है, पुलिंग इफेक्ट, इसलिए पॉजिटिव अनस्टेबल हो रहा है। ऑक्सीजन के कारण यहाँ पॉजिटिव अनस्टेबल हो रहा है, यहाँ क्या होगा? कोई खींचने वाला ग्रुप ही नहीं है। जयान किसका डाउट था? जयान तुम्हारा डाउट था, किसका डाउट था ये? हाँ अक्षय, हाँ हाँ, ये क्या होगा? चलो
सबसे बेस्ट कौन सा है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. फोर्थ वाला इज द बेस्ट. व्हाई यू फील सो? आई थिंक फोर्थ इज नॉट द बेस्ट, क्योंकि अगर तुम फोर्थ वाले को बेस्ट कर रहे हो मतलब तुमने कुछ ऐसा किया होगा. लेट मी एक्सप्लेन यू. ये फोर्थ है तो रेजोनेंस हुआ. मैंने कहा यस. रेजोनेंस होने के कारण हाँ मतलब ये मिथाइल है. यहां पे ये कार्बन था अलाइलिक 2 डिग्री. चलो प्लीज 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 ये मत पूछना सर अलाइलिक 2 डिग्री क्या होता है. ओके ओके ये बन गया. अब अरे काशी हीले बलिया हीले अलाइलिक 3 डिग्री कार्बोकटा है. बच्चा लो 2 डिग्री से 3 डिग्री स्टेबल है या नहीं? कम ऑन बॉयज गर्ल्स एकदम यस. लेकिन भाई साहब यहाँ पे कुदरत का अलग करिश्मा हो गया है. क्या करिश्मा हुआ इधर? शिफ्ट होने के बाद यहाँ कुछ तो कारनामा हो गया है बाबा. यस मंदार. इसी के साथ मंदार ने मारा सिक्सर. क्या बात है मंदार, सही जा रहा है बेटा. सही सही सही. ओके सामने पॉजिटिव. राजदीप की एकदम तेज नजर. प्लासिडो ने भी सही आंसर दिया. अजिंक्य नो माइनस आई इफेक्ट. अजिंक्य यू आर रॉन्ग. नीत वेरी गुड. इंडक्टिव इफेक्ट कार्तिक छोटा बात कर दिया यार. इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ सब इफेक्ट का बाप है. इधर कौन है? सब इफेक्ट फादर ऑफ ऑल इफेक्ट. हु इज द फादर ऑफ ऑल इफेक्ट? यस यस हाइपर. अरे भाई साहब बैक बॉन्डिंग इज द फादर ऑफ ऑल इफेक्ट. बैक बॉन्डिंग सामने आग लगा है. बैक बॉन्डिंग मतलब पानी आग पानी शुभ मामला रफा दफा. समझा क्या बोला अपन? हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी. इसलिए ये एकदम फोर्थ वाला एकदम धमाकेदार एकदम बेस्ट होने का. समझ में आया सभी को? या जो लोग भी फोर को गिनती ना देते हुए कोई और रीजन लिखा था प्लीज ये मेंशन करो और वहां बोलो कि भाई ये अलाइलिक के साथ साथ यहाँ बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है इसलिए फोर्थ इज द बेस्ट फॉलोड बाय डेरेन. कम ऑन डेरेन गो ऑन डेरेन. आशीर्वाद ना दो बेटा. डाउट पूछो डेरेन. ऋतुजा से 3 बाकी पब्लिक 2 पे. आकाश ने 3 बोल दिया. मैं 3 कैसे बोल रहे हो यार आकाश? यार 3 तो हो ही नहीं सकता यार आकाश. ऐसा मत कर यार आकाश. 3 बिल्कुल नहीं हो सकता भाई. जानवर अटैच है उधर. NO2 शक्ल देख. वो भूखे की शक्ल देख. डेरेन विच 6th one ही तो कर रहे हैं. या 6th one ही कर रहे हैं डेरेन. पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया डेरेन. दिस इज फॉर यू बॉय. पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया. ये देखो अब पॉजिटिव चार्ज के सामने ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कार्बन आमने सामने. तो तुमको नहीं लगता डेरेन ये लोन पर इसको डायरेक्टली कार्बोकटायन को देके उसको एकदम फिनिश रफा दफा कर देंगे? हाँ या ना? या इसके लिए फोर्थ इज द बेस्ट क्योंकि यहाँ पे चार का मामला ही साफ कर दिया. फोर्थ के बाद सेकेंड. यस दैट्स करेक्ट. क्योंकि जब मैं पाई बॉन्ड शिफ्ट करूंगा आई विल गेट 3 डिग्री अलाइलिक. जब मैं यहां शिफ्ट ये ऑलरेडी 2 डिग्री अलाइलिक है. तो 4 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 3 और 3 के बाद एक छोटा सा ब्रेक. 4 2 1 3. क्या बात है. आई लव दिस बैच. आई मीन ऑल द बैच मतलब सारे बैच. मतलब ये लॉकडाउन लग गया यार. मैं ऐसी तमन्ना में था यार चलो लॉकडाउन थोड़ा सा हटेगा सब कुछ नॉर्मल होगा तो हम एक दिन नासिक औरंगाबाद गोरेगांव गोरेवली सबसे मिल लेंगे. वो सब मैकडी में पार्टी करेंगे यार. चलो कोई बात नहीं. नासिक तो पक्का आएगा मैं भाई.
छोड़ेगा नहीं। अच्छा चलो चलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये समझ में आ गया, क्या डाउट था किसी को? तीसरा पेंटावेलेंट नाइट्रोजन, किधर है पेंटावेलेंट नाइट्रोजन? अरे बच्चा NO2 ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, केमिकल बॉन्डिंग में लुईस स्ट्रक्चर चार्ज नहीं देखा है। प्लीज एक्सप्लेन द फिफ्थ वन, फिफ्थ वन ये वाला, इसमें ये बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग श्रेया, बैक बॉन्डिंग खाना खाने वाला, खाना खाने वाला आमने सामने। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में गरीब के मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन नाम का चोर है, तो ये तो अनस्टेबल है। यहाँ गरीब के पॉजिटिव चार्ज में कोई भी ऑक्सीजन नाम का चोर नहीं है, तो चोर होना और चोर ना होना कौन सा बेटर स्टेबल है? चोर ना होना, इसलिए फोर के बाद टू, टू के बाद वन, नहीं फोर के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री। श्रेया जी, श्रेया जी क्वेश्चन सिक्स का क्या एक्सप्लेन करना है टू हिम? हाउ टू इज ग्रेटर देन वन? अरे भाई साहब ये देखना यार, पॉजिटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट करेगा यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज ऐसा ना, ये थ्री डिग्री हो गया ना, थ्री डिग्री अलाइलिक हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज थ्री डिग्री कार्बन प्लस अलाइलिक भी है, करेक्ट करेक्ट। ये टू वाले को ज्यादा सपोर्ट भी है, सपोर्ट देखो ना, रेजोनेंस भी हुआ और सपोर्ट भी हुआ। यहाँ क्या सिर्फ रेजोनेंस होगा, बाकी कोई फायदा ही नहीं। ओके NO2 के पास भाई लोन पेयर नहीं होता बैक बॉन्डिंग करने के लिए, NO2 के ऊपर नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, जानवर है वो, जानवर प्लस चार्ज, जानवर खुखार जानवर है वो, माइनस का इफेक्ट का ऑर्डर भूल गया पब्लिक, ठीक है। तो अभी हम ले लेंगे मध्यांतर, मध्यांतर होगा 10 मिनट का, हम मिलेंगे 7:50 को। हाँ दैट इज द रीजन, वन और थ्री में ये डिफरेंस है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है सपोर्ट NO2 विड्रॉइंग। ओके चलो 10 मिनट का ब्रेक, मध्यांतर ले ले, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम गाइस, सभी लोग लाइव है, जिंदा है। ऋषिकेश, तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या भाई? ऋषिकेश बिहार वाला, मतलब बिहार वाला नहीं, बोरीवली वाला। अलाइव एंड टाइपिंग ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश हाजिर हो जहां कहीं पी भी हो, बोरीली वाले ऋषिकेश। क्लियर हो गया ना डाउट बेटा? चलो तो यहां तक अब अपन ने 6 एग्जाम्पल कर लिया। ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दू? नेक्स्ट एग्जाम्पल दू? हाँ चलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये किधर गया भाई? दस्तर किधर गया मेरा? चलो यहां लिखता हूं, तब तक एग्जाम ये ढूंढता हूं। चलो लास्ट वाला नाइट्रोजन है उधर, डू इट फास्ट। लास्ट वाला नाइट्रोजन है। What is the reason here? Come on. Stability order बताएं सबसे। Total मैंने 6 structures दिए हैं। Total 6 structures दिए हैं। 6 structure के orders बताएं। 6 इसके structures बताएं। Come on. 6th then 1st then क्या बोला? 6 के बाद 6543211 612345 612345। अच्छा 615432 ऐसा बोला, 615432। ओके मंदार, ओके 615432, ओके और 612345 चिन्मय। अच्छा तुम्हारे हिसाब से 6 सबसे बेस्ट है, व्हाट इज द रीजन? हिप, ओके 612345, ओके देखता हूँ। बैक बॉन्डिंग, या ये हो गया बैक बॉन्डिंग, दैट्स करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट जिसको मैं कहूंगा सिग्मा रेजोनेंस, करेक्ट करेक्ट। अब उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया? देखो तुम लोग मुझे 6 के बाद 1 बोला, आई अंडरस्टूड दैट पार्ट, लेकिन उसके बाद 2345 क्यों बोल रहे हो? तुमको नहीं लगता 6 के बाद 1, 1 के बाद रेजोनेंस आएगा, या रेजोनेंस आएगा?
तो ये हो गया फाइव विच इज रेजोनेंस, फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ जहां रेजोनेंस भी है और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है, फोर अल्फा हाइड्रोजन, यू कैन चेक, कोई दिक्कत नहीं. वन इज सिग्मा रेजोनेंस परम, वन इज सिग्मा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग के बाद सिग्मा रेजोनेंस आता है. डोंट यू रिमेम्बर द एग्जाम्पल वी हैव डन, एंगल स्ट्रेन भी कम होता है और अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है, हा या ना, परम, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ. तो सिक्स के बाद वन, वन के बाद फाइव, फाइव के बाद फोर, फोर क्यों, रेजोनेंस भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोजन भी है, फोर. उसके बाद थ्री, रेजोनेंस इधर ज्यादा था, इधर कम है क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस हो रहा है बट कम हो रहा है, एरो नीचे की तरफ बताया मतलब रेजोनेंस कम हो रहा है, और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, दो, सॉरी दो और दो चार अल्फा हाइड्रोजन, ओके. उसके बाद सिक्स वन फाइव फोर थ्री, अक्षय सेकंड वाला बोल रहा है, तुम सेकंड वाला क्यों बोल रहा है अक्षय, टू बिफोर थ्री, अच्छा टू बिफोर थ्री बोल रहा है, टू और थ्री में कंपेयर करूं तो सेकंड में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है. डन, टू थ्री के पहले क्यों आएगा, टू टू ज्यादा स्टेबल क्यों है थ्री से, टू ज्यादा स्टेबल क्यों है थ्री से, जो लोग भी टू को, हाँ ठीक है, मतलब अक्षय क्लियर हो गया बेटा. अच्छा थ्री के बाद कौन आएगा, तीन, ये देखो ना, फोर में डबल बॉन्ड के बाद सी एच टू है, जिनको अल्फा हाइड्रोजन पहचानने नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड के बाद में सी एच टू है, इधर भी डबल बॉन्ड के बाद में सी एच टू है, यानी टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, चार, करेक्ट. यहां यहाँ डबल बॉन्ड के बाद भी सी एच टू है, ये देखो, और इधर भी डबल बॉन्ड के बाद सी एच टू है, तो इधर भी चार है, बस यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा आएगा, ओके, क्योंकि ज्यादा कॉन्जुगेशन है इधर, मतलब रेजोनेंस ज्यादा होगा, इधर कम होगा और उसके बाद आएगा टू, करेक्ट. ऑर्डर समझ में आया, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द ऑर्डर, अंडरस्टैंड द ऑर्डर विथ प्रॉपर रीजनिंग, अगर तुमको ये समझ में आ गया ना प्रॉपर रीजनिंग तो अपना काम हो गया, क्लियर. एरोमेटिक पाठक यहाँ पे एरोमेटिक है ही नहीं ना, यही एक एरोमेटिक रेजोनेंस वाला था, मैंने एरोमेटिक स्ट्रक्चर और दिया ही नहीं है ना पाठक, अगर बैक बॉन्डिंग है, सिग्मा रेजोनेंस है, एरोमेटिक कैरेक्टर होता तो मैं उसे काउंट करता, अभी नहीं है मेरे इसमें एग्जाम्पल तो मैं क्या करूं यार, समझ में आया. वन टू थ्री कौन ज्यादा स्टेबल है फाइंड आउट करो.
या दैट्स फाइन, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था. ये दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेर देर आर सेवन स्ट्रक्चर्स गिवन, इन सात के सात को अरेंज करो. इन सात के सात स्ट्रक्चर्स को अरेंज करो. सात के सात स्ट्रक्चर्स को अरेंज करो. कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी, कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है, क्या हो रहा है, दैट यू डिसाइड. ऋतुजा 2, 3, 4, 5, मतलब ऑर्डर बराबर लिखो भाई, ऑर्डर बराबर लिखो. टू वन थ्री फोर सिक्स फाइव सेवन मंदार, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 5 और 6 में 5 को पहले बोला मंदार तुम. ऊपर वाला तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ना बेटा, तीनों मिलके सिग्मा रेजोनेंस दिखाएंगे, 2 दिखाएगा 1 दिखाएगा. श्रावणी करेक्ट, श्रावणी योर थॉट इज करेक्ट बेटा. चलो अभी सबसे बेस्ट तुम लोगों के हिसाब से कौन सा लग रहा है, सबसे बेस्ट कौन सा है या सेकंड? ओके, रीजन क्या हो सकता है इसमें? सबसे बेस्ट बैक बॉन्डिंग. अच्छा, 1 वाला बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा है, 1 वाला बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा है. अरे 1 वाला इज द बेटर बैक बॉन्डिंग ना. 1 वाला नाइट्रोजन अच्छा डोनर है या ऑक्सीजन अच्छा डोनर है, कौन सा अच्छा डोनर है? नाइट्रोजन अच्छा डोनर है ना, तो 1 सबसे बेस्ट होना चाहिए, फॉलोड बाय सेकेंड. यस, 1 के बाद 2, 2 के बाद ये हो गया बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग. उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ. यस, एरोमेटिसिटी. अक्षय, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी. अक्षय, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी. ओके अक्षय, अक्षय 2, 6 में क्या दिया है? बेंजिलिक रेजोनेंस है वहां पे, रेजोनेंस वहां, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है. या अश्वत, कांट हेल्प इट बेटा, यू हैव टू जस्ट. अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनना, ये एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन, मेरी बात सुनो. 1, 2, 3, 4 करेक्ट है, ये करेक्ट है. अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब ये बिहेवियर तुम्हें एज इट इज लर्न ही करना पड़ेगा, एज इट इज लर्न ही करना पड़ेगा. क्या है एक्सेप्शन देखो, फिफ्थ इज बेटर देन सिक्स. कंफ्यूजन, वेट वेट, लेट मी एक्सप्लेन, घाई मत करो. फिफ्थ इज बेटर देन सिक्स, ओके, वेट वेट वेट, पेशेंस, वेट. फिफ्थ इज हैविंग, पॉइंट ध्यान से सुनना, फिफ्थ इज हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट?
प्लस फिफ्थ इज हैविंग तीन जन जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है. ओके अक्षय बोलते रहो बेटा, बोलते रहो. नौ लोग, नाइन अल्फा हाइड्रोजन मतलब इधर दो दो इफेक्ट काम कर रहा है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है और एक तीन जन मिलके प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं. करेक्ट. यहां पर ये दो इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेटिंग, हाँ एरोमेटिक बेटर देन रेजोनेंस ना, तो एरोमेटिक तो ये रहा ना, तीन और चार एरोमेटिक है, ये रेजोनेंस है, तो एरोमेटिक इज बेटर ना, तीन और चार इस वाले से बेटर ही होंगे ना अक्षय. ऋतुजा हाँ वेट, वो आ रहा हूं. थ्री इज ग्रेटर देन फोर या ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बट इसका नंबर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होगा ना, मतलब यहाँ इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी एरोमेटिसिटी, इन दोनों की एरोमेटिसिटी रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर ज्यादा आएगा. अरे एंगल स्ट्रेन नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये प्लेनर ही है सारा का सारा, ये इंटरमीडिएट पढ़ रहे, इंटरमीडिएट में कोई दिक्कत नहीं. फिफ्थ और सिक्स में बेंजीन की एक पुरानी आदत है कि बेंजीन माइनस आई इफेक्ट भी दिखाता है, फिनाइल माइनस आई इफेक्ट भी है ना, खींचने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स ये ध्यान में रखना, भूलना मत. ये बहुत बारी ये सवाल पूछा जाता है, मोर डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस, या ये दो इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग है. यहां देखो ना, सिग्मा बॉन्ड तोड़ तोड़ के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल किया जा रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को घुमाया जा रहा है, कभी ऑर्थो पे कभी पैरा पे, मतलब याद आया तुमको, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बेंजीन में सिर्फ घूमेगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, सिग्मा बॉन्ड तोड़ के थोड़ा एफर्ट लेके पॉजिटिव चार्ज को शांत कर देंगे, यानी यहाँ दो दो इफेक्ट है, इसलिए ये एक्सेप्शन भूलना मत. लोग मिथाइल ग्रुप देख के तुरंत बोलते हैं अरे ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, यानी इसके इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है. क्लियर. ओके उसके बाद वी नो द ऑर्डर देन 5, 6, 10, 7. क्लियर बच्चों. अब मैं तुमको फटाफट दो इफेक्ट सिखाने जा रहा हूं, ऑफकोर्स ये मैंने एंड के लिए रखा था, अभी जो लोग कम हो गए हैं उनके लिए मैं आगे कभी रिपीट नहीं करूंगा, और ये इफेक्ट भूलना नहीं है. बाय एनी चांस डू यू रिमेम्बर बाय साइक्लो कंपाउंड? इफ यू डोंट रिमेम्बर, आईयूपीएसी में फटाफट जाओ और बाय साइक्लो ढूंढो क्या है. हाउ 7 इज ग्रेटर देन 6? 7 स्ट्रक्चर सबसे लास्ट है ना, 6 इज ग्रेटर देन 7. 7 सबसे लास्ट था ना बेटा, 7 क्या था, हाँ 6 ग्रेटर देन 7 ना. अजिंक्य, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पैर है बेटा, एंड इनफैक्ट फ्लोरीन के पास भी लोन पैर होता है. ओके फ्लोरीन के पास भी लोन पैर होता है. इफ दैट इज द केस, फ्लोरीन के पास 3 लोन पैर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पैर और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पैर है, तो भी सबसे अच्छा लोन पैर डोनर कौन होता है, सबसे अच्छा लोन पैर डोनर कौन है, नाइट्रोजन. नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है, दैट डजंट डिसाइड कि भाई तुम कितना चैरिटी कर रहा है, नो 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 नॉट एट ऑल. नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे किसी कोई इलेक्ट्रॉन मांगने आया ना, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए वो दे देता है. अंडरस्टूड. एंड ऑक्सीजन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देता है बट थोड़ा देर में देता है. फ्लोरीन के पास लोन पेयर बहुत ज्यादा है बट किसी को नहीं देता, क्यों, समझा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लियर हुआ. अब मैं दो रूल सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, भूलना मत.
ये रूल कहीं पर भी कभी भी यूज हो सकता है एज आई एम सेइंग। अक्षय तू आशीर्वाद देना बंद करेगा बेटा, डाउट है तो पूछ ले। हाँ, अब इस रूल को कहते हैं ब्रेट्स रूल। ये तुमको स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये रूल अप्लाई होता हुआ तुम्हें दिख जाएगा। टूहीन सिक्स वाला स्ट्रक्चर क्या था यार? सिक्स वाला स्ट्रक्चर बेंजिलिक था, बराबर ये वाला था ना, सिक्स वाला स्ट्रक्चर बेंजिलिक था। सेवेंथ वाला क्या था? सेवेंथ वाला क्या था स्ट्रक्चर? सिक्स मेंबर था क्या सेवेंथ वाला? भूल गया मैं, ऐसा कुछ था क्या? लास्ट क्वेश्चन का, हाँ हाँ अरे ऐसा था, हाँ हाँ याद आया। तो टूइन भाई, ये बेंजिलिक और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है भाई? हाँ एग्जाम में मत करना ऐसा मिस्टेक भाई। अच्छा ब्रेट्स रूल, ये बी फॉर बॉम्बे ब्रेट्स रूल, हाँ ध्यान से सुनना। ब्रेट्स रूल ने कहा पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट लिख सकते हो तुम लोग, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड कैन नॉट कम ऑन जंक्शन कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड कैन नॉट कम ऑन जंक्शन कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। यू नो व्हाट इज बाईसाइक्लो कंपाउंड? मैं बताने की कोशिश में नहीं करूंगा। पॉजिटिव चार्ज, जंक्शन कार्बन, ये जंक्शन कार्बन होता है, आई होप यू रिमेम्बर, एंड डबल बॉन्ड कैन नॉट कम ऑन जंक्शन कार्बन, ये कभी भी नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड कैन नॉट कम ऑन जंक्शन कार्बन ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। बच्चों ये ब्रेट्स रूल बहुत जगह यूज होगा आगे, बट डिस्कशन में कभी कोई लेके नहीं आता, इसलिए ध्यान में रखना है। मतलब अगर मैं तुमको मान लो ऐसा एग्जाम्पल दू, ये देखो बच्चों, इन तीनों में डिफरेंस देखो। ऑफ कोर्स ब्रेट्स रूल के हिसाब से ये लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल अगर मुझे इन तीनों का रीजन बताता हो, डोंट वरी, बिना रीजन के तो जाने नहीं दूंगा ना तुमको, रीजन जरूर बताऊंगा। ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, अभी ये तीनों भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे देखो, बट कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स तीन के तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल? या एब्सोल्युटली, 3-2-1 ओके, या या करेक्ट करेक्ट, एंड बट इट वॉज ऑब्वियस कि तुम ये आंसर दे दोगे, आई मीन आई वॉज नोइंग दिस। अच्छा ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होता है ना, ये एक दो तीन ऐसे ना, ये 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करोगे ना, तो ये लोग एक प्लेन में नहीं रहते, एक प्लेन में नहीं रह सकते, क्योंकि इनके हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा रिपल्शन है। ये कार्बन, ये एक प्लेन में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि
उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो. सो इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज मतलब sp2 हाइब्रिडाइज. हाय अक्षय, पूछना डाउट पूछना लाला. पॉजिटिव चार्ज मतलब हेट, आई विल कम टू दैट बेटा, होल्ड ऑन, आई विल कम टू दैट. मैं 3-2-1 वापस एक्सप्लेन करूंगा. तो ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड होना मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना. या अक्षय, मोर ब्रिजिंग मतलब यहाँ पे कार्बन के आजू बाजू यहाँ पर कार्बन ज्यादा है थर्ड वाले में, तो प्लस का इफेक्ट भी इधर बहुत ज्यादा होगा. हेट, अंडरस्टूड बेटा? और यहां देखो कार्बन की, कार्बन का भीड़ कम है ना, इसके कंपैरिजन में कार्बन कम है, इसके कंपैरिजन में कार्बन और कम है. ठीक है, ओके. सो इन दैट केस तुम प्लेनर बनाने की जब कोशिश करोगे तो भाई साहब, अगर एक बैग है जिसमें जबरदस्ती तुम सामान भरने की कोशिश किए जा रहे हो, फाइनली उस बैग का क्या होगा? गया ना. जबरदस्ती उसको प्लेनर बनाने की जब कोशिश करोगे, ये इसको जबरदस्ती प्लेनर बनाने की कोशिश करोगे, तो हो गया उसका कल्याण डोंगली. बराबर बोला. यानी इसलिए ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज अगर मैं जंक्शन कार्बन के अलावा कहीं और बनाता हूं, देन आई डोंट हैव एनी इशू. डबल बॉन्ड इधर बनाता हूं, चलेगा. दिस इज अलाउड. समझा? दे कैन एग्जिस्ट बिकॉज ये कार्बन प्लेनर होना ब्रिज पे तीन तीन रिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखो 1, 2, 3, इसलिए वो लोग प्लेनर नहीं होंगे. यहां डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रखो ना, इनको कोई दिक्कत नहीं. ये कार्बन प्लेनर हो गया, बाकी नॉन प्लेनर रहे, इस कार्बन को परवाह नहीं है. लेकिन ब्रिज कार्बन पे तीन तीन लोगों का, तीन तीन रिंग का डिपेंडेंस है, इसलिए अगर उसको तुम प्लेनर बनाने की कोशिश करोगे तो भाई साहब मुसीबत हो जाएगी, दर्द महसूस होने लगेगा. ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा लोग? क्लियर हुआ बच्चा लोग? ब्रेड्स रूल समझ में आया? ब्रेड्स रूल समझ में आया? हाँ जिनके, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. समझ में आया सभी लोगों को? हाँ या ना बच्चा लोग? हाँ या ना बच्चा लोग? हाँ या ना बच्चा लोग? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब प्रॉबली अपना जो ये सैटरडे का सेशन होगा वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलमोस्ट हम एंड तक, या शायद हम खत्म कर दें ये चैप्टर सैटरडे को. तो सभी लोग अपना मास्टर क्लास का मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दें, असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करें. याद रखें डेली इसमें 50-60 क्वेश्चन जीओसी के रोज करने हैं. रोज सभी लोगों ने इसको ये करना. हाँ श्रेया, मैं भेज दूंगा जो नोट्स है मेरे पास, वो मैं भेज दूंगा. सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें. कितना भी क्लास में अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा अच्छे से, तो सभी भी अरे जो भी मॉड्यूल हो, मैंने तुमको पीडीएफ भेज दिया है. मैं तुम्हारे पास दुनिया भर का पीडीएफ हो चुका है, तुम्हारे पास असाइनमेंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन की कमी नहीं है. बट याद रखो ऑर्गेनिक में वही मास्टर ब्लास्टर होगा जो जीओसी में 1500 क्वेश्चन सॉल्व करेगा. तो हर दिन हमें 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट फेल. हर दिन का काम है ये, एवरी डे इज टास्क. 50 क्वेश्चन मिनिमम, एक महीने में मैं तुमको 1500 क्वेश्चन पे पहुंचा दूंगा. 50 क्वेश्चन डेली. Is that clear? और अच्छे से लिखो, डाउट रीजनिंग सब अच्छे से मेंशन करो. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. खुदा हाफिज. अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते नहीं, अगले लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है, टेक केयर किड्स. और प्लीज 50 क्वेश्चन डेली. पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय किड्स, बाय ऑल रैंकर्स, बाय बाय बाय. जयराम जी की, जयराम जी की, मोहम्मद भाई, जयराम जी की, बाय बाय. डेविड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज. तुम्हारा तो है ना वेनेसडे, ऋषिकेश, वेनेसडे है ना भाई, वेनेसडे को है ना.
ऋषिकेश वेनेसडे को है अपना, टेंशन नहीं लो। ओके या चलो बाय, टेक केयर किड। अच्छा तुम्हारा नहीं बेटा, बोरिवली बोरिवली। कोमल बाय बराबर लिखा कोमल, अभी अभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है लगता, ने हो छुड़ गए मतलब एकदम। चलो बाय किड, बाय बराबर लिखते हैं। चलो बाय, टेक केयर।